सुदामडी थाना क्षेत्र अंतर्गत मोहल बनी बस्ती में शराब पीने के दौरान बुधवार की रात युवकों के बीच मारपीट हुई थी, जिसमें मोहन बाजार निवासी व सब्जी विक्रेता राजेश साव का पुत्र पवन कुमार साव 21 वर्षीय को गंभीर चोट आई थी, जिसका इलाज रांची रिम्स अस्पताल में चल रहा था, जहां शुक्रवार को पवन की मौत हो गई। मृतक के पिता ने सुदामडी थाना में पुत्र की हत्या का आरोप नुनुडी NBCC कॉलोनी निवासी कालू उर्फ छोटन विश्वास पर एवं अन्य युवकों पर लगाया है। पुलिस ने मृतक के पिता राजीव साव की लिखित शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज किया है, जिसमें नुनुडी निवासी रवि कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि कालो उर्फ छोटन विश्वास फरार बताया जा रहा है। घटना के संबंध में मृतक की माता बबीता देवी ने बताया कि पाथरडी लोको बाजार में सब्जी बेचकर जीवन यापन करते हैं। डिनोवली मोड़ समीप बुधवार को हटिया में पुत्र पवन सब्जी बाजार लगाने के बाद रात्रि 9 बजे मोहल बने बस्ती गया था। मृतक पवन के दोस्त राजा ने बताया कि पवन अपने कुछ दोस्तों के साथ मोहल बनी बस्ती में शराब पिया था, जहां कालो उर्फ छोटन विश्वास के बीच झगड़ा झंझट हुआ था, जहां कालो ने पवन को मारपीट कर जख्मी कर दिया, जिसके बाद 11 बजे रात फोन आया कि तुम्हारा दोस्त जख्मी गिरा पड़ा है। जख्मी पवन को मोहन बाजार में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे SNMMCH धनबाद ले गए, जहाँ से उसे गुरुवार को रांची रिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। कालो ने मारपीट कर जख्मी कर दिया था। इधर पवन के पिता राजीव साह, मां बबीता देवी, बहन बड़ी बहन अनु देवी, तन्नु कुमारी, छोटा भाई आनंद कुमार का रो रोकर बुरा हाल है। दो लड़का आया मेरा घर, बोला कि तुम्हारा भाई को मार के तीन लड़का उधर, ठीक है, तो हम बोले तुमको कैसे पता चला, तो वो बोला कि हम गए थे उनके पास, तो हम बोले तो फिर कहाँ मेरा भाई, तो बोला वो राजा उसके पास है, तो हम बोले तुम मेरा भाई को लेकर आओ, हम किसी चलते हैं और दुर्गा मेडिकल, तो मेरे भाई को गया स्कूटी चलाने, हम लोग पीछे पीछे दुर्गा मेडिकल गए, हम राजा से पूछे क्या हुआ, राजा बोलता है कि रवि कुमार हमको फ़ोन किया, बोला कि इसको ले जाओ बहुत सीरियस है, रवि कुमार टॉर्च लेकर ऐसे मार के बॉडी इसी पे खड़ा हुआ था मेरा भाई का पास, और रवि कुमार को बोला कि इसको ले जाओ बहुत सीरियस है, सिर्फ वहाँ स्थान में रवि कुमार था, और रवि कुमार था, फिर राजा को बोला, राजा मेरे दोस्त को भाई का बगल के दोस्त को बोला, दोनों आ गया, हम लोग गए दुर्गा मेडिकल से नहीं हो पाया तो हम लोग फिर PMCH गए रात को 10-12 बजे 12:30 बजे, और वहाँ पर सुबह 11:30 बजे तक हम लोग रहे, ताकि वहाँ कोई सुनवाई नहीं हो पा रहा था ठीक से इलाज, हम लोग फिर चलती चल गए जलान प्राइवेट हॉस्पिटल, वहाँ 50-60 हज़ार रुपया खर्चा लगा, जिसमें रवि कुमार कम से कम 15 या 17 हज़ार रुपये दिए हैं, दिए 15-17 हज़ार, और बाकी पैसा वो मुकर गए देने से, और वो स्टेटमेंट में लिख के दिए हैं कि हम रवि कुमार और कालू और श्रवण कुमार मातो तीनों मिलके इसका इलाज करेंगे, अगर इसका इलाज में कुछ भी नुकसान होगा तो इसका जिम्मेदार हम रहेंगे, इसमें सिर्फ रवि का साइन है, लिखा है कि कालू का भगना। अच्छा, इसके बाद तुम कहाँ ले गया? हम फिर जलान ले गए, जलान से जवाब दे दिया कि और खर्चा बढ़ेगा इसका, दिन का 20 हज़ार रुपया लगेगा, तो हम लोग 20 हज़ार रुपया कहाँ से देंगे सर, मम्मी का हाल ही में लोन लेके 2.5 लाख का ऑपरेशन करा, पैसा 1 रुपया भी नहीं था, लाने तक पैसा नहीं, फिर कहाँ ले गए? हम लोग फिर रिम्स ले गए रांची, रिम्स रिम्स 12:30-1 बजे ले गए रांची, वहाँ फिर हम लोग को सुबह तक रहा, दवा उवा चला जो दिया, फिर सुबह मशीन उशीन लगा, वेंटिलेटर में रखा, वेंटिलेटर रखने के बाद 10 या 10:30 के बीच में मेरा भाई दम तोड़ गया। क्या शक है कि कौन कर सकता है घटना और कौन अंजाम दे सकता है? घटना का अंजाम रवि कुमार घटना स्थल पर पाया गया है, और उसका सबूत है राजा उसको देखा है, रवि कुमार हमको बयान लिख के दिया है कि तीनों का खर्चा हम उठाएंगे, मतलब कौन का खर्चा हम तीनों मिलकर उठाएंगे, जिसमें रवि कुमार का साइन मारा हुआ है। क्या लगता है कि हत्या वही लोग किया है? हाँ सर, पूरा यकीन है, 100% यकीन है, वही लोग किया और कुछ अन्य व्यक्ति उसका। कौन लगते हो तुम उसका? छोटा भाई लगते। क्या नाम है तुम्हारा? आनंद कुमार साहब। बोल दो, थाना में मोबाइल में हम लोग शॉपिंग बंद है, इसलिए कि एक हमारा सरजी बेटा राजू साहब का लड़का का हत्या हुआ है, और जो भी हत्या में शामिल है उसको पुलिस सख्त कार्रवाई करे, ताकि इस तरह का पुनरावृत्ति ना हो, अन्यथा हटिया वाला लोग अपना आंदोलन करेंगे। कैसे हत्या हुई है उसका? वो लोग सब लोग गया था कहीं मोहल बनी बस्ती, जो हमको सूचना मिला, और उसी में कुछ लोगों को कहा सुनी हुआ, और उसी में इन लोग को मारपीट हुआ, जिसके चलते गंभीर रूप से घायल हुआ, PMC गया, PMC से रिम्स गया, रिम्स जाने के बाद इनका मृत्यु हो गया, जिसका सूचना लोग हम लोग को दिया। कुछ लोगों का नाम
जो नाम आ रहा है जो सच है ये पुलिस अपना काम करे और उसको जेल भेजे, और नहीं तो हम लोग चुप थोड़े बैठेंगे। हम लोग प्रशासन से मांग करते हैं जो भी इसमें गलत है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि समाज में इस तरह का पुनरावृत्ति नहीं हो।